दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई, बॉलीवुड की जनता ने जिस तीसरे डॉन को ये कहते हुए नकार दिया कि भाई, इस डॉन में अगर किंग खान डॉन नहीं तो इस डॉन से हमें मोहब्बत नहीं, तो भाई उस डॉन के फिल्म में अगर बॉलीवुड का ये जबरदस्त कलाकार विलेन के तौर पर एंट्री मार रहा है, तो क्या इसकी वजह से जनता का साथ बॉलीवुड के इस तीसरे डॉन को मिल पाएगा? तो भाई, क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 1976 से, जब बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के पहले डॉन के किरदार में नजर आए। और भाई, बिग बी की वो फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाकर एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद भैया, बिग बी के इस फिल्म का रीमेक किया गया 2006 में रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर के द्वारा, यानी कि इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म के फ्रेंचाइजी को अपने हाथ में लिया, इस फिल्म के राइट्स को अपने हाथ में लिया और भाई, अमिताभ बच्चन की जगह बॉलीवुड को दिया दूसरा डॉन शाहरुख खान के रूप में। और भाई, जब शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन का किरदार निभाते नजर आए सिनेमा घरों में, तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद भैया, इस फिल्म का पार्ट टू भी आया जो कि लोगों को काफी पसंद आया। उसके बाद से ही जनता की डिमांड लगातार फरहान अख्तर से होती रही। शाहरुख खान के सामने जनता ये सवाल पूछते रही कि भैया, आप कब बनोगे तीसरी बार बॉलीवुड के डॉन? लेकिन इससे पहले कि भाई शाहरुख खान डॉन 3 में नजर आते, कि भाई शाहरुख खान ने ही ये क्लियरली कह दिया कि अब वो इस फ्रेंचाइजी के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, यानी कि वो डॉन के फ्रेंचाइजी को छोड़ रहे हैं। पर भाई, जब शाहरुख खान ने ये ऐलान कर दिया, तो उसके बाद से ही जनता ने ये बात कहना शुरू कर दिया कि भाई, अगर डॉन में शाहरुख खान नहीं तो हमारे लिए ये डॉन किसी काम का नहीं। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर ने घोषणा की कि भैया, हम डॉन 3 बनाएंगे और इस बार बॉलीवुड के लिए तीसरा डॉन लेकर आएंगे। और ये डॉन होगा कौन? तो बॉलीवुड का जोकर, जोकर नहीं यार, गली बॉय भी नहीं बोलते हैं भाई, हमारे चुलबुले कलाकार जो कि अतरंगी सतरंगी कपड़ों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, यानी कि रणवीर सिंह। और भाई, जैसे ही रणवीर सिंह का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा, कि दर्शकों ने ये बात कहना शुरू कर दिया कि लो भैंसिया चली गई पानी में। और उसके बाद से ही डॉन को लेकर मीम्स का बाजार शुरू हो गया और लोग कहने लगे कि ये बनेगा डॉन, अबे डॉन का तो अब बनने वाला है मजाक। और उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर नेगेटिव खबरों का बाजार गर्म होने लगा। लेकिन इन सभी खबरों को दरकिनार करते हुए भाई, इस फिल्म के मेकर इस बात पर यकीन करते हुए इस फिल्म के काम को आगे बढ़ाते गए कि भैया, हम तो अब रणवीर सिंह को ही बॉलीवुड का तीसरा डॉन बनाएंगे। और भाई, अब रणवीर सिंह की आने वाली इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया, अब इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है भाई टाइगर के पार्ट 3 के मुख्य विलेन यानी कि इमरान हाशमी की, यानी कि वे इमरान हाशमी को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि वो डॉन के पार्ट 3 में मुख्य विलेन के किरदार में नजर आएंगे रणवीर सिंह के सामने। तो भाई, अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, क्या इमरान हाशमी की इस फिल्म में एंट्री होने की वजह से इस फिल्म को कोई बेनिफिट पहुंचने वाला है? क्या इमरान हाशमी की एंट्री होने के बाद जनता को ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं बाबू, बॉलीवुड का ये तीसरा डॉन इमरान हाशमी के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगा? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।